हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारी ताज़ा खबर आई है, जो अभी न्यूज़ आई है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है, स्कॉलरशिप के टॉपिक पर। तो देखिए, जो लोग स्कॉलरशिप भर रहे हैं या भर चुके हैं, ठीक है, सभी के लिए है। देखिए, जो लोग नहीं भर पाए हैं, और देखिए स्कॉलरशिप की फाइनल ऑनलाइन डेट जो है, वो जो प्रोसेस है ऑनलाइन वाला, वो कब तक हो गया है, और जल्दी से इसे जान लें। और देखिए एक चीज़ और जान लें इसी के साथ, अब 3 दिन में, देखिए 3 दिन की जगह 2 दिन में, क्या है ये आप लोग को अभी न्यूज़ में पता चलेगा। तो बिन समय गवाए आप लोगों को चलते हैं सीधा न्यूज़ पर लेकर। तो देखिए ये है न्यूज़, ठीक है, किस टॉपिक में है, तो देखिए किस सब्जेक्ट में, किस कंटेंट में। तो देखिए जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, क्या है स्कॉलरशिप, देख लीजिए, रुकिए एक मिनट, देखिए जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, देखिए स्कॉलरशिप और जो फीस भरपाई के लिए, ठीक है, जो एडमिशन की जो फीस के लिए, ठीक है, फी के लिए और जो स्कॉलरशिप है इसके लिए, ये क्या है दिया गया है, जो समय सीमा बढ़ाई गई है, ठीक है, जो अपडेट हुई है, जो देखिए जो अपडेट की गई है डेट। तो हम सीधा आप लोगों को डेट पर ले चलते हैं, फालतू की आपको बकवास नहीं देंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, समाज कल्याण विभाग में जो डिपार्टमेंट है समाज कल्याण का, ठीक है, जो सोशल कल्याण का, उसमें क्या कह रहा है, कक्षा 11-12 और जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, स्नातकोत्तर जो कक्षाओं तथा मेडिकल इंजीनियरिंग जो हैं, ठीक है, डिप्लोमा और जो आईटीआई वाले जो भी हैं, ठीक है, देखिए जो डिप्लोमा वाले हैं, मैनेजमेंट, नर्सिंग जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के गरीब व ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप है और जो फीस है, इसकी भरपाई के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, इसकी सीमा, समय सीमा बढ़ा दी गई है। कब कर दी गई है, तो देखिए ये हमारी कर दी गई है, देखिए बढ़ा दी गई है, इन कक्षाओं व पाठ्यक्रमों में नए दाखिले लेने वाले जो देखिए न्यू एडमिशन हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का जो एडमिशन हो रहा है, जो थर्ड ईयर का न्यू एडमिशन हो रहा है, क्या जो एडमिशन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या गया है, जो हमारा देखिए जो हमारी डेट है, ठीक है, देखिए अपनी कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले चिया छात्र छात्राएं 21 अक्टूबर की बजाय अब क्या होगा 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। मतलब देखिए जो हमारी डेट का प्रोसेस था, क्या था, जो डेट का प्रोसेस था वो 21 तारीख लास्ट डेट था स्कॉलरशिप का। अब आप बिन फिक्र किए क्या कर सकते हैं, 25 तारीख तक अपना क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रिन्यूअल करना चाहते हैं वो रिन्यूअल उनका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करें, जल्दी से ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन वाला ख़त्म कर लीजिए, अगर 25 से देखिए ज़्यादा होगा तो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बस ये न्यूज़ ही आप लोग को सिर्फ ये मेन चीज़ ही बताना थी कि डेट जो है वो कब तक हो गई है 25 तारीख, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, जो कि हमने कहा था, ठीक है, जो 3 दिन की जगह जो 2 दिन में होगा वो क्या होगा, तो जो इसका देखिए जो हार्ड कॉपी होगी, जो प्रिंट होता है फाइनल प्रिंट, क्या फाइनल प्रिंट जो 3 दिन में आता था वो अब 2 दिन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया गया है, अपडेट किया गया है, ठीक है, समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो आप लोग चिंता मत करें, ठीक है, आप लोग अपना छात्रवृत्ति भर लें, ठीक है, बिन टेंशन किए। तो देखिए जल्दी से भर लीजिए ताकि आप लोगों का फॉर्म छूट ना जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस इतना ही बताना था। हाँ, और लाइक कर दें जल्दी से, ठीक है, लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से आप लोगों को सारा कुछ मिलता रहेगा।